आज सबसे पहले हम जाने वाले हैं बाहुबली के सेट पे। 2015 की ये मूवी एसएस राजामौली के द्वारा डायरेक्ट की गई थी और प्रभास, अनुष्का राणा और तमन्ना स्टारर थी, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक फिल्म्स और उस टाइम की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी। इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाहुबली द कंक्लूजन आज भी इंडिया की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। बाहुबली सेट रामोजी फिल्म सिटी की सबसे पॉपुलर शूटिंग सेट्स में से एक है, जहां पे मैं अब पहुंच चुका हूं। सबसे पहले आपकी नजर पड़ेगी मूवी के पोस्टर्स के ऊपर और फिर दाहिने तरफ है माहिष्मती राज्य के राजमहल का एक मिनिएचर वर्जन। अंदर भी हमें कुछ हद तक ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, तो चलते हैं फिर। सबका बचपना निकल रहा है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा बेल टाइप है कुछ, मुझे नहीं पता ये मूवी में था कि नहीं। वाओ, बिल्कुल फील आ रही है मूवी वाली। दोनों तरफ आपको बड़े बड़े हाथी देखने को मिलते हैं और एक ग्रैंड एंट्री हो चुकी है हमारी। क्या आपको पता है कि ये मूवी सेट लगभग 100 एकड़ एरिया में बनी है और इसे बनाने में कुल 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये चबूतरा वही जगह है जहां पे कटप्पा ने बाहुबली को बचपन में अपने हाथों से खाना खिलाया था। माहिष्मती राज्य को इस मूवी में बहुत ही समृद्ध दिखाया गया है और इस शूटिंग सेट में हर एक एलिमेंट जो आपको मिलेगा यूनिक होने के साथ साथ फंक्शनल और लॉजिकल भी है। इस जगह को मूवी में वल्लाल देव के राज्याभिषेक के साथ साथ बहुत बार दिखाया गया है। एक सीन में तो ऐसा दिखाया गया है जैसे ये घोड़े टूट गए हैं, पर वो सब वीडियो इफेक्ट्स ही हैं जो बाहुबली मूवी की एक और खासियत थी। यह एक दूरबीन जो असल में काम नहीं करती, पर इसे भी दिखाया गया है। और ये है वल्लाल देव का रथ जिसे पार्ट वन में दिखाया गया है। और ये युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाला एक सिस्टम है। निम्दा, दूसरा स्टेल में हर तबुश क्रैक कोई किन्हीं बोमला मोहिनो जुकू लोहा कुए। ये वल्लाल देव का पार्ट टू वाला एडवांस्ड रथ। यहाँ पे भीड़ इसीलिए लगी है ताकि माहिष्मती के सिंहासन पे बैठ के एक फोटो लिया जा सके। 10 मिनट तो आराम से लग जाएंगे ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा एलिमेंट कौन से सीन में यूज हुआ था। ऐसे रेफरेंसेस भी दिए गए हैं, तो इन सीन्स में यूज हुआ था ये। तो गाइस, बाहुबली सेट में ही आपको बाहुबली दरबार रेस्टोरेंट मिल जाता है और यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें मिलते हैं देखिए। देवसेना बिरयानी, महिष्मती पराठा, कटप्पा भटूरा, अमरेंद्र बाहुबली बिरयानी, अवंतिका लेमनेट। बस बोर्डिंग पॉइंट भी इधर से ही है और बाहुबली दरबार रेस्टोरेंट भी इधर ही है। बहुत ही बड़ा सा कैफेटेरिया है यहाँ पे, बाहुबली थीम्ड रेस्टोरेंट। खाना यहाँ पे सुपर एक्सपेंसिव है, तो पतली गली से निकलता हूँ मैं। सामने ही मिलेंगे वल्लाल देव के बड़े से स्टैचू के कुछ हिस्से और बाएं तरफ है एक सुवनिर शॉप और बस बोर्डिंग पॉइंट। दोस्तों, ये है लंदन और वहां के कुछ खूबसूरत लोकेलिटीज। आपको ये जान के खुशी होगी कि आप इन सड़कों को रामोजी फिल्म सिटी में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस शूटिंग सेट का नाम है प्रिंसेस स्ट्रीट, जो कि है तो बहुत सारे जगहों पे, लेकिन यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया है लंदन के प्रिंसेस स्ट्रीट को। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल लंदन वाली फील आ रही है कि नहीं। ये नॉर्मली फॉरेन लोकेशंस को
दिखाने के लिए इस जगह को बनाया गया है। और ये सब रियल घर है, ऐसा नहीं कि नकली घर है, लेकिन आप अंदर जाकर नहीं घूम सकते। ये शायद एक ही घर है जिसके ऊपर हम बैल्कनी में आ सकते हैं। बढ़िया भाई भैया का फोटो वोटो लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे एक एयरपोर्ट भी है जहाँ से हम और एक बस बोर्ड करेंगे आगे के लिए। Here we go, जिसका इंतजार नहीं था वही हो रहा है, मतलब बारिश होने लग गई है। गाइस रामोजी फिल्म सिटी में बस रेलवे स्टेशन ही नहीं एयरपोर्ट भी है, और ये रहा वहां जाने का रास्ता। तो इस हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। फ्लाई दुबई, एयर इंडिया, सिंगापुर एयरलाइंस, स्पाइसजेट, इन सब के काउंटर्स हैं यहाँ पे। और आज के लिए यह है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी। लग रहा है ना रियल? यहाँ पे एयर चाइना और पाकिस्तान एयरलाइंस के भी काउंटर्स हैं। अब चलते हैं अंदर। यहाँ पे है लगेज स्कैनर्स और अनाउंसमेंट्स भी हो रहे हैं। इंटरनेशनल के लिए राइट और डोमेस्टिक के लिए लेफ्ट जाना होगा। और इस तरफ हैं इंफॉर्मेशन और टैक्सीज के काउंटर्स। फ्लाइट के लिए हमें यहां से अंदर जाना होगा, तो फिर चलते हैं बोर्डिंग के लिए। आप लोगों को अगर याद होगा तो नीरजा मूवी की शूटिंग पूरी तरह से यहीं पे की गई थी। इसके साथ ही हमारा स्टूडियो टूर खत्म होता है और शुरू होता है इको टूर। सबसे पहले चलते हैं हवा महल। हवा महल है राजस्थान की कैपिटल जयपुर में और वहां के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। देखने में रामोजी फिल्म सिटी का हवा महल जयपुर के हवा महल से बिल्कुल अलग है, पर राजस्थानी टच जरूर दिया गया है। इसी पॉइंट पे काफी सारे सॉन्ग शूट किए गए हैं। यहाँ पे आपको राजस्थानी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलता है और राजस्थानी आर्किटेक्चर वाले कुछ छतरियां भी देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट से आपको इस फिल्म सिटी का एक काफी अच्छा व्यू मिल जाता है। हवा महल के ठीक नीचे है मसाला महल। तो वो की सिटी बहुत, तो मैंने मसाला महल में एक समोसा चाट लिया है। एंबियंस बहुत ही अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल राजस्थानी टच दिया गया है। और हर इंटरवल में आपको कुछ ना कुछ खाने और पीने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और रेस्टोरेंट भी आपको हर स्टॉप में मिल जाता है। सीढ़ियों से उतरने के बाद आपको सामने ही मिलेगा देवयानी गार्डन, और यहाँ से दाएं तरफ चल के मैं पहुंच गया हूँ सेंचुरी गार्डन में। सेंचुरी में तो जानवर होते हैं और इस गार्डन में है ग्रास कार्विंग्स उन्हीं के शेप में। यहाँ आपको एलिफेंट से लेके हॉर्स और जिराफ तक हर शेप में अट्रैक्टिव कार्विंग्स देखने को मिलते हैं। और आगे चल के मिलेगा एरिजोना गार्डन। एरिजोना द यूएस का एक स्टेट है जो अपने डेजर्ट और वैरायटीज ऑफ कैक्टस की वजह से जाना जाता है। यहाँ आपको छोटे बड़े गोल लंबे हर शेप में वैरायटीज ऑफ कैक्टस देखने को मिलते हैं।
आप लोगों को तो पता लग चुका होगा कि मैं अब कहाँ हूँ। दोस्तों यह है जैपनीज गार्डन। जैपनीज लोगों की तरह यहाँ की वाइब भी बहुत ही पीसफुल है। हाईली रिकमेंडेड, मस्ट विजिट और पीसफुल। अब बारी है बटरफ्लाई गार्डन की, लेकिन उससे पहले आता है बटरफ्लाई म्यूजियम, जहां बटरफ्लाइज के बारे में काफी जानकारी मिलती है। आप वीडियो को पॉज करके उनके बारे में काफी कुछ नया जान सकते हैं। मेरे दाएं तरफ है बटरफ्लाई गार्डन, जहां मैं पहले जाने वाला हूं, और दाएं तरफ है विंग्स द बर्ड्स पार्क। एक वेल मेंटेन्ड छोटा सा गार्डन है ये, पता नहीं लोग यहाँ पे ज्यादा क्यों नहीं है। अब चलते हैं द बर्ड्स पार्क, जहाँ आते ही सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है इस खूबसूरत से आर्टिफिशियल वाटरफॉल पे, और फिर इन प्यारे से बर्ड्स के ऊपर भी। पर ये तो बस एक ट्रेलर है। इस एनक्लोजर में भी काफी तरह के बर्ड्स हैं, पर आगे चल के और 50 से 100 तरह के एग्जॉटिक बर्ड्स उनके डिटेल्स के साथ देखने को मिलते हैं। कुछ लाल, कुछ नीले, कुछ पीले, कुछ हरे, कुछ गुस्सैल, कुछ शांत, कुछ शाय और कुछ पैंग। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए नोटिफिकेशन के लिए। आखिर में कुछ ऑस्ट्रिचेस और उनके इतने बड़े बड़े अंडे भी देखने को मिलते हैं। यह है कलर्स गार्डन, मतलब आपको रंग बिरंगे फूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। त्रिपालु केव्स में अजंता और एलोरा के बुद्धा सीरीज ऑफ केव्स को रिक्रिएट किया गया है, और बड़ा ही शांत वातावरण है। अगर आपने एलोरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लें। इको टूर में जो आखिरी जगह आया हूँ वो है सन फाउंटेन। इसे आप इस फिल्म सिटी में एंट्री और एग्जिट करते समय देखते हैं। काफी सारे गाने शूट किए गए हैं यहाँ पे। घूमते घूमते अब 4 बजने वाले हैं। आप हमेशा कोशिश करें यूरेका 3 से 4 बजे तक वापस लौट आने के लिए, क्योंकि ये वाला एरिया उसके बाद काफी हैपनिंग हो जाता है। अब चलते हैं आलमपना थिएटर पे, जहां 3 और 4 बजे 2 सेम शो रखे जाते हैं, जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ रामोजी।
स्टेट ऑफ रामोजी तो बहुत ही लाजवाब था। अभी मैं जा रहा हूँ वाइल्ड वेस्ट, तो ये एक स्टंट टाइप एक्सपीरियंस होने वाला है। वाइल्ड वेस्ट स्टंट शो फ्रंट पोर्टियर। वाइल्ड वेस्ट शो एक एक्शन पैक्ड स्टंट परफॉर्मेंस है प्रोफेशनल स्टंट आर्टिस्ट के द्वारा। शो के टाइमिंग्स है 145 और 445, ड्यूरेशन है 15 मिनट का। अच्छा लग रहा है कि लोग हाथ मिला के सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। कूल ना। 5 बज चुके हैं और मैं हूं अभी यूरेका में। बताना चाहूंगा कि कुछ राइड्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि ये सब। तो चलते हैं फिर। कई सालों बाद ब्रेक डांस ट्राई कर रहा हूं। उसके बाद मैंने ट्राई किया रेंजर, इसमें तो मजा ही आ गया। ऊपर जब आपको उल्टा लटकाया जाता है ना, ओहो, क्या फीलिंग होती है। 5:30 बज चुके हैं और क्लोजिंग सेरेमनी शुरू हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया और आपने रामोजी फिल्म सिटी का प्लान ऑलरेडी बना लिया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द ऐसे ही किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।